साथियों, आज का ये अवसर ऐसा है जिसमें गुजरात और जापान के आत्मीय रिश्तों पर जितनी चर्चा करूं उतनी कम होगी। गुजरात और जापान के बीच जो रिश्ता रहा है वो डिप्लोमेटिक दायरों से भी बहुत ऊंचा रहा है। मुझे याद है जब 2009 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन शुरू हुआ था, तभी से जापान इसके साथ एक पार्टनर कंट्री के तौर पर हमेशा जुड़ा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। एक राज्य और दूसरी तरह एक डेवलप कंट्री, इन दोनों का साथ चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में जापान की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। अपने मुख्यमंत्री काल के दिनों में मैं अक्सर एक बात कहता था, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मिनी जापान इन गुजरात। इसके पीछे का भाव यही था कि जापान के हमारे अतिथियों को गुजरात में भी जापान की अनुभूति हो, उनको फीलिंग आए। हमने प्रयास किया कि जापान के लोगों को, जापान की कंपनियों को यहां किसी तरह की परेशानी ना हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते थे। बहुतों को शायद सुनकर के आश्चर्य भी होगा, अब हम सबको पता है जापान के लोग हो और गोल्फ खेलना न हो तो बात अधूरी रह जाती है। बिना गोल्फ आप जापानी की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब हमारा गुजरात, वहां गोल्फ की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे अगर जापान को यहां लाना है तो मुझे गोल्फ कोर्सेज शुरू करने चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज गुजरात में अनेक गोल्फ के मैदान हुए हैं जहां हमारे जापान के लोग यहां काम करते हैं, उनको वीकेंड बिताने के लिए अवसर मिल जाता है। कई रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हैं जिनकी विशेषता है जापानी कुजीन है, जापानी फूड है, उसकी भी चिंता की। जापान से आए साथियों को दिक्कत ना हो इसके लिए बहुत से गुजरातियों ने जापानी भाषा भी सीखी है।